आज हम लोग करेंगे, फॉर्मेट बताएगा आपको हम पीजीबीपी का, और फिर हम लोग वो जो है ना क्या बोलते हैं उसका वो जो पार्ट है क्या बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म वाला, उसका भी हम आपको लॉजिक्स बताएगा, और हम लोग दो चार सब पार्टनरशिप फॉर्म का और दो चार सब नॉर्मल बिजनेस का फुल फ्लेजेड अगर पीजीबीपी का कंप्यूटेशन बनाना पड़ता तो क्या बनाएंगे। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है फॉर्मेट, दो मेथड में पीजी आप पहले बात कर रहे हैं नॉर्मल का, पार्टनरशिप फॉर्म का बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस अगर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है, ये लोग जो पीजीबीपी के लिए क्या करेगा। देखो हम लोग पिछला क्लास में बात कर चुके हैं कि अकाउंट्स में जो हम लोग एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करते हैं या जो इनकम प्रेजेंट करते हैं वो सेम टू सेम हम लोग का पीजीबीपी में कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये बात तो हम लोग सीख गए। तो सर अकाउंट्स क्या नॉर्मली नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाओगे। उसके अलावा जब अकाउंट्स पूरा बन जाता है ना शुभांगी, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जब पूरा बन जाता है उसको देख के हम लोग कंप्यूटेशन का कैलकुलेशन करते हैं पीजीबीपी के लिए। अच्छा। तो ये जो आप ये एक्चुअली में ये हम दो मेथड का बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है शुभांगी, तुम्हारा सारा इनकम जोड़ लो और जो जो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड है वो माइनस कर लो। अच्छा। यही है डायरेक्ट मेथड, मतलब सेल जोड़ लो। एक बात याद करो शुभांगी, जब पीएल बनाते थे ट्रेडिंग पीएल जब बनाते थे पीएल का क्रेडिट में हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, क्या बोलते हैं बैड डेट रिकवरी बहुत कुछ लिखते थे। रेंट रिसीव्ड भी अगर बिजनेस को हुआ तो वो भी लिखते थे। डिविडेंड सेल आपका ट्रेडिंग में चला जाता था। लेकिन जो भी अदर इनकम होता था वो आपका पीएल में इनडायरेक्ट में लिख देते थे, इनडायरेक्ट इनकम बोल के क्रेडिट साइड में। पीजीबीपी बोलता है या इनकम टैक्स बोलता है कि आपका कमीशन रिसीव तो बिजनेस इनकम आप मान लिया, क्योंकि अगर आप स्टील का बिजनेस करते हो और अपने स्टील वाले बिजनेस लोगों का मदद करके कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर लिया कमीशन का, वो मान लिया बिजनेस इनकम है। लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, आपका काम था स्टील का बिजनेस का, आपके गोडाउन में खाली जगह पड़ा था थोड़ा सा, आपको हम आपके पास आया और हम बोला सुभांगी हमको 15-20 दिन सामान रखने के लिए कोई जगह चाहिए, आप बोले मेरा गोडाउन फाका पड़ा रख दो भाड़ा लगेगा, हम बोले यार ठीक है भाड़ा दे लेंगे। तो आपका बिजनेस भाड़ा कमाया ना, लेकिन क्या आपका मेन बिजनेस भाड़ा कमाने का है? नहीं। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या लाएगा? वैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर सोर्स क्या लाएगा? बैड डेट रिकवरी बिजनेस इनकम ही क्या लाएगा, क्योंकि बिजनेस का पैसा डूबा तो वही रिकवर हो गया, ऑब्वियस बात है वो अदर इनकम नहीं होगा। तो कमीशन और बैड डेट रिकवरी हम बिजनेस इनकम मान लिया, लेकिन बाकी तो अदर इनकम है शुभांगी। लेकिन आप पीएल बनाते थे तो सब पीएल सब लिख के नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो। वैसे ही शुभांगी कही है कि एक्सपेंडिचर है जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। अच्छा। जैसे पर्सनल एक्सपेंडिचर आप बोलोगे सर वो तो बिजनेस भी अलाउ नहीं करता, करता है ड्राइंग्स के नाम पे, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। अच्छा। कल शुभांगी हम लोग पढ़े प्रोविजंस कोई भी टाइप का हो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। कल शुभांगी हम लोग ये भी पढ़े कुछ एक एक्सपेंडिचर है जो कैश पेमेंट बेसिस पे अलाउ, मतलब पेमेंट करोगे तो ही छूट मिलेगा वरना छूट नहीं मिलेगा। कुछ एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसका 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट करते हैं, अगर हम कुछ एक क्या कोई भी एक्सपेंडिचर अगर 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स बोलता है तुमको माइनस नहीं करने देंगे एज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन अकाउंट्स में तो करते हो। तो ये भी यहाँ पे कहानी है। तो हम लोग प्रोविजन का बात किए, एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड ऑन कैश बेसिस, एक्सपेंडिचर अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट इज बीइंग डन, कई एक डेप्रिसिएशन का तो पूरा एक स्टोरी अलग है, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का फिगर पूरा ही अलग आएगा, इनकम टैक्स का पूरा ही अलग आएगा। तो शुभांगी कई एक इनकम और कई एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो अकाउंट्स और इनकम टैक्स में सेम नहीं है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फॉर्मेट शुभांगी डायरेक्ट मेथड में अगर बनाते हम आपको डायरेक्ट मेथड का सम दिखाएगा डायरेक्ट।
फॉर्मेट एक्चुअली पता नहीं कैसे हुआ वो पेज, जब हम पीडीएफ बनाया होगा बीकॉम पढ़ाने के लिए हाँ। तो फॉर्मेट में हम पूरा हिस्सा लिया नहीं, क्यों नहीं लिया हमको भी नहीं ध्यान, बुक से जब हम पीडीएफ बना रहा था देखो खाली ऊपर थोड़ा सा पार्ट रह गया, पिछला पेज आया ही नहीं। हाँ पिछला पेज आया ही नहीं, कोई बात नहीं ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम आपको सब में दिखा देगा डायरेक्ट, और एग्जाम में आपके डायरेक्ट मेथड काम भी नहीं आएगा, न रियल लाइफ में काम आता है। अच्छा। रियल लाइफ में सबको इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो सर है भी बहुत सिंपल, जो जो इनकम मेरे को इनकम टैक्स अलाउ करता है पीजीबीपी में डालने के लिए हाँ। वो ऐड कर लेंगे हुँ? और जो जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो इनकम टैक्स मना नहीं करता माइनस करने से हाँ। वो माइनस कर लेंगे हुँ? जैसे नॉर्मल सैलरी पेड बिजनेस का नॉर्मल खर्चा ही तो है शुभांगी हाँ। इनकम टैक्स एज पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डायरेक्ट माइनस कर लो हुँ? रिपेयरिंग का खर्चा एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो इनकम टैक्स कुछ भी नहीं बोल रहा है मना करने के लिए उनको माइनस कर लो तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा हाँ। तो वही कहानी है, इनडायरेक्ट मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है और यही मेजोरिटी लोग फॉलो करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड बेटा उल्टा चालू होता है, जैसे याद है तुम्हारा कैश फ्लो चैप्टर था अकाउंट्स में हाँ, हाँ, वो नेट प्रॉफिट से चालू होता था हाँ। यहाँ पर भी वही कहानी होगा क्योंकि तुम अकाउंट्स बना चुके हो शुभांगी तो तुम्हारे पास एक नेट प्रॉफिट का फिगर अवेलेबल है हाँ। तो पूरा अकाउंट को मतलब उल्टा सीधा करने से अच्छा है तुम सिर्फ वो आइटम का इफेक्ट हटा दो जो हाँ। जो अलाउड नहीं है जो जो इनकम तुम्हारा पीजीबीपी इनकम नहीं है हाँ। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड यानी जो जो इनकम तुम्हारा अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी या कैपिटल गेन में जाएगा वो यहाँ से हटा लो हाँ। तो तुम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम अकाउंट्स में ये सारा इनकम को क्या किए थे ऐड हाँ। अभी क्या करोगे माइनस वैसे ही प्रोविजन तुम इनकम एज पर अकाउंट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रोविजन कई एक एक्सपेंडिचर जो सिर्फ पेमेंट पे अलाउड है वो सब क्या किए थे माइनस उनको ऐड बैक कर लो मतलब रिवर्स मोड में चलना है शुभमन हाँ। और कुछ नहीं है एकदम हम लोग ये चीज कैश फ्लो में सीखे है रिवर्स मोड में कैसे चला जाता है यहाँ भी देखो बेटा वही कहानी की है। अब आओ फॉर्मेट पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाँ। तो वही तो बात अपनी स्टार्ट किए थे। अब देखो ऐड के कॉलम में क्या लिखा एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। अच्छा। जैसे एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी मना था ना एक अकाउंट्स में तो अपने कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं माइनस कर ही लेते हैं हाँ। तो उसको ऐड बैक कर लो। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ऐड बैक कर लो हाँ। और नीचे जाके दिखाएगा आपको हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस कर लो और आज इनकम डेप्रिसिएशन का भी सम्स करेंगे अभी दो तीन तो छोटा छोटा प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड बैक कर लो मतलब वो एक्सपेंडिचर जो इनकम टैक्स स्पेसिफिकली बोल दिया भैया हम अलाउ नहीं करेंगे हाँ। लेकिन आप पीएल में डेबिट करके बैठे हो तो मैं ऐड बैक कर लू हाँ। वैसे ही देखो इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट ऐसा इनकम अगर कोई छूट गया आपका गलती से हाँ। जो इनकम टैक्स में भी आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाता है जैसे मान लो आप अकाउंट बनाए थे वहां पर कमीशन रिसीव डालना भूल गए थे अच्छा। अब जब इनकम टैक्स का बनाने बैठे कैलकुलेशन पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट निकालने बैठे तब आपको दिखाई दिया अरे 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 कमीशन तो ऐड ये ही नहीं कोई नहीं यहाँ पे कर लो अब इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए अकाउंट्स में अपना गलती सुधारते रहना आप हाँ। इनकम टैक्स में ऐड बैक कर मतलब यहाँ पर एरर जो हुआ है वो मतलब वो इनकम जो इनकम टैक्स भी बोलता है कि तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम है उसको यहाँ पे आप ऐड बैक कर लो अगर छूट गया है तो हाँ। जैसे हम दो एग्जांपल दे दिए कमीशन रिसीव्ड एक बैड डेट रिकवरी मान लो बाद में हुआ अचानक एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके हाँ। तब तक अकाउंट फाइनलाइज हो गया था वहां डालना भूल गए अब दिख गया तो यहां तो डाल लो अकाउंट्स में तुम करता रहना अपना गलती सुधारने का काम हाँ। इनकम टैक्स का तो काम खत्म करो क्योंकि टैक्स टाइमली नहीं दोगे तो इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा पेनल्टी लग जाएगा। चलो लेस करने के लिए क्या बोला इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट वो इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्स ही नहीं लगता जिसके ऊपर हाँ। जैसे एक मस्त एग्जांपल देते आपको दिखाई दे रहा होगा डिविडेंड हाँ, डिविडेंड आप बोलोगे सर डिविडेंड तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है हाँ।
बेटा इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले ना, वो डिविडेंड ऑलरेडी टैक्स मतलब आगे ही दे देते हैं। नहीं वो नहीं बोल रहे, नहीं 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 कभी नहीं। इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है ना शुभांगी, हाँ, उस पे इन्वेस्टर को शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा। एग्जम्प्टेड है क्यों? क्योंकि उस पे कंपनी ऑलरेडी एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है DDT, वो कंपनी ऑलरेडी पे करके ही देता है। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, वो डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करता है DDT बोल के, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा। तो ऑलरेडी उस डिविडेंड के अमाउंट पे ऑलरेडी एक बार कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया बेटा, तो फिर शेयर होल्डर पे दोबारा उस इनकम पे टैक्स क्यों लगाया जाए? अच्छा। एक मतलब एक ही इनकम पे डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता ना। पर डिविडेंड तो हमारा इनकम है एक तरह से, तो उसका उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है बेटा। आपका इनकम है मान लिया, अगर कंपनी नहीं दिया होता DDT तो आपको टैक्सेबल होता वो आपका इनकम बन के। अच्छा बेटा, वही इनकम एक तरीके से समझ लो, वो इनकम पर TDS कट गया एक तरीके से इनडायरेक्टली। वो TDS अच्छा। नहीं है एक्चुअली में, बट जब कंपनी कैलकुलेट करता है ना, हाँ, तो कंपनी वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना डिविडेंड होगा उसमें इतना सिलिटी जाएगा, बाकी बचाव हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंपनी अपनी जेब से नहीं भरता है, बट यहाँ पे लॉजिकली आप ये बोलोगे कंपनी जेब से भर रहा है। अच्छा। मतलब कंपनी खुद ही DDT पेमेंट करके डिविडेंड बांटे। अच्छा। तो फिर दोबारा उसी इनकम पे क्यों टैक्स लगे? मान लो कंपनी इस बार 10 लाख डिविडेंड बांटने का प्लान किया था, हाँ, तो 10 लाख पे मान लो DDT 10% लेट से, तो कंपनी 1 लाख DDT गवर्नमेंट को जमा कर दिया, हाँ, तो बेटा दोबारा फिर 9 लाख पे टैक्स, तब तो एक बार दो बार टैक्स लगना हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए इंडियन कंपनी से आप डिविडेंड रिसीव करोगे, अगर रिसीव करोगे, हाँ, तो आपको एग्जम्प्टेड एज ए इन्वेस्टर, आप उसको एग्जम्प्टेड इनकम में दिखाओगे। इसीलिए मैंने क्या किया, लेस इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू PL अकाउंट। कंपनी को जो डिविडेंड मिला होगा कहीं से, कंपनी इन्वेस्टर हो गया ना यहाँ पे, हाँ, कंपनी दूसरा कंपनी में पैसा लगाया, अच्छा, उसको डिविडेंड मिला, आपका कंपनी शुभांगी लिमिटेड नीरज लिमिटेड में पैसा लगाया, नीरज लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर किया इस बार, हाँ, शुभांगी लिमिटेड को भी मिला, क्योंकि हाँ, शुभांगी लिमिटेड नीरज लिमिटेड में शेयर होल्डर है, हाँ, तो शुभांगी को डिविडेंड मिला, शुभांगी के लिए डिविडेंड एग्जम्प्ट, शुभांगी लिमिटेड के लिए सॉरी, ये डिविडेंड एग्जम्प्टेड है, हाँ, क्योंकि नीरज लिमिटेड ऑलरेडी इस पर DDT टैक्स दे दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑलरेडी दे दिया। तो यहाँ पर इसके लिए, लेकिन आप तो अकाउंट बनाते समय तो PL के क्रेडिट में लिखे हो डिविडेंड रिसीव, हाँ, हाँ, अदर इनकम में, अदर इनकम में कंपनी का अकाउंट अगर सोचोगे मतलब ऐड किया था, हाँ, वो ऊपर दो ऐड होता है ना इनकम साइड में, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, हाँ, तो आप अदर इनकम में ऑलरेडी उसको डाल के बैठे हो, हाँ, तो उसको यहाँ पे हटाओ, तो लेस करो इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड बट क्रेडिटेड टू PL अकाउंट, वो इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, अच्छा, लेकिन हम PL में डाल दिया। जैसे देखो लिखा बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स इनकम है, हाँ, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीनरी है, कैपिटल गेन है, हाँ, तो ये सब यहाँ नहीं आना चाहिए, तो इनको ऐड लेस कर दिए, क्योंकि ये इनकम मेरा प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, हाँ, हमको कम करने। लास्ट आइटम बोला एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू PL अकाउंट, कुछ एक्सपेंडिचर अगर ऐसा है जो आपको एज पर इनकम टैक्स अलाउड है लेकिन आप PL में माइनस नहीं किए थे, जैसे एग्जांपल में भी हो गया डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हाँ, मतलब वो माइनस किए थे पर डिफरेंट वैल्यू था, हाँ, तो ऊपर ऐड बैक कर लिए थे, यहाँ माइनस कर लिए, हाँ, हाँ। और वैसे अगर कोई एक्सपेंडिचर छूट गया गलती से, एरर हो गया अकाउंट बनाते वक्त, तो यहाँ पे कर लो माइनस, मतलब जो इनकम टैक्स में अलाउड है लेकिन आप माइनस नहीं किए थे PL बनाते वक्त, हाँ, तो यहाँ कर लो। और आखिरी एक लाइन दिया एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कभी कभी सुभांगी आपको सब में बोलेगा, हाँ, कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, अच्छा, और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, या ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग अंडर या ओवर वैल्यूड हो गया। सुभांगी के एग्जाम्पल में कहानी खत्म कर देते हैं बोल के, 10,000 रुपये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, हम बोल रहे हैं वो 20% ओवर वैल्यूड हो गया, अच्छा, क्या कितना रुपए से ओपनिंग स्टॉक एक्स्ट्रा दिखा दिए, 10,000 डिवाइडेड बाय 120 × 20, हाँ, यही तो फिगर निकलेगा, हाँ, 10,000 फिगर कितना आएगा देखो एक बार,
हम कर रहे हैं, दस 1667 10,000 डिवाइडेड बाई 120 × 20, हाँ 1666, तो 1667 एक बार बोलेंगे हम, हाँ तो 1667 से मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, हाँ माइनस करेंगे, हाँ बेटा वेट ब्लंडर मार दिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता है पीए ट्रेडिंग पीएल का? ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड कौन सा साइड होता है, एक्सपेंडिचर साइड की इनकम साइड? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा दियो गलती से, अच्छा तो इनकम कम हो गया होगा, हाँ अभी ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड बैक ना, हाँ समझ में आया हम क्या बोलना चाह, हाँ आपको ये देखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर गलती से ज्यादा दिखा दिए तो अभी ऐड बैक करके ठीक करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर गलती से कम दिखा दिए होते तो माइनस कर लेते। वैसे ही अगर क्लोजिंग स्टॉक का बात करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए हैं तो इनकम ज्यादा दिखा दिए, मतलब तो इनकम ज्यादा दिखा दिए तो ठीक करने के लिए माइनस करो, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो कम दिखा दिए तो इनकम साइड कम दिखा दिए तो अभी ठीक करने के लिए ऐड बैक करो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का बात इसलिए हम इतना डिटेल में किया क्योंकि हम लोग के मुंह में आता ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिखा दिए तो अब कम कर दो, बाबा ओवर वैल्यूड क्या हो गया, इनकम की एक्सपेंडिचर, अच्छा ये भी तो सोचना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंडिचर क्योंकि वो डेबिट में दिखाते हैं ट्रेडिंग पीएल के, और क्लोजिंग स्टॉक इज एन इनकम क्योंकि वो क्रेडिट में दिखाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये था मेरा इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, तो यहां से हम कहां पहुंच गए अल्टीमेटली, ये सब एड लेस करके पीजीबीपी का एज पर इनकम टैक्स जो प्रॉफिट होना चाहिए वो निकल गया, अब उस पर अगर तुम कंपनी हो तो तुम 30% टैक्स लगा दो डायरेक्ट, फ्लैट स्लैब नहीं लगेगा, अच्छा। अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म हो तो भी स्लैब नहीं लगेगा, लेकिन तुम एचयूएफ या इंडिविजुअल हो सोल प्रोप्राइटर स्लैब लगा दो, समझे? अगर लॉस आ गया तो वो लॉस आता तब तो कोई बात ही नहीं था बेटा, तब तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता अगले साल, पीजीबीपी में 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड, अगला साल अगर प्रॉफिट होगा तब एडजस्ट कर लेना, हाँ। तो यही कहानी अपने पढ़ चुके हैं पहले सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, तो ये आपका पीजीबीपी का फॉर्मेट एंड ऑल। अब इस फॉर्मेट पे पहले सम करते हैं, देखो जैसे स्क्रीन पे एक सम दिखाई दे रहा है, मिस्टर पिंका मुखर्जी सबमिटेड द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस एंडिंग 31/3/2019, वो अपना पीएल दे रहा है, और ये मिस्टर पिंका मुखर्जी है मतलब इंडिविजुअल है, हाँ। मतलब बाद में स्लैब रेट का भी कहानी होना चाहिए, हालांकि आपको उतना दूर तक इस सब में जाने की दरकार नहीं, आपको सिर्फ पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट निकालना है, हाँ। कैश पर पीजीबीपी इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो देखो आपको दिया भाई सिंपल एकदम, सेल्स दिया 4,90,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 50,000, बेड डेप्ट रिकवरी, हाँ यहाँ देखो मस्त लैंग्वेज लिखा है, डिसअलाउड इन द अर्ली ईयर, मतलब पिछला साल वो बेड डेप्ट के रूप में अलाउ नहीं हुआ था, अच्छा अब इस साल वो बेड डेप्ट रिकवरी हो गया तो क्या हम टैक्स देंगे क्या? हाँ नहीं देंगे बेटा, पिछला साल हमको बेड डेप्ट के रूप में माइनस करने नहीं दिया, ओ अच्छा, डिसअलाउड इन द अर्ली ईयर लिखा, अच्छा मतलब जिस साल हम उसको बैड डेट के रूप में क्लेम किए होंगे, हाँ। मेरे को डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर असिस्टिंग ऑफिसर एओ, हाँ। वो बोला कि नहीं हम माइनस नहीं करने देंगे, हम इसको बैड डेट नहीं मानते, आप ये बैड डेट हुआ नहीं है आपका एक्चुअली में, अच्छा मतलब उसको डॉक्यूमेंटेशन में बैड डेट समझ में नहीं आया तो वो डिसअलाउ कर दिया, डिसअलाउ कर दिया मतलब उस साल वो नेट प्रॉफिट में ऐड रहा, हाँ। तो उस साल नेट प्रॉफिट पे ऐड रहा मतलब टैक्स भी दे दिए होंगे ऑलरेडी, तो अब दोबारा इसको इनकम मान के फिर से टैक्स क्यों दे, हाँ। तो ये यहाँ पर अपने ऐड कर लिए लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो इसको माइनस करेंगे एकदम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होना चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, ऐड तो ऑलरेडी है प्रॉफिट निकालते समय, ऐड तो ऑलरेडी है दोनों का दोनों आइटम, वापस माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 50,000, सेल्स नॉर्मल इनकम है कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड में, ओपनिंग स्टॉक ठीक ही लग रहा है
परचेज ठीक, सैलरी ठीक, डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट सही, एड बैक कर देंगे, एड बैक बेटा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर हाँ वो नीचे उस पर इनकम टैक्स माइनस करेंगे, आएंगे आएंगे एडजस्टमेंट पे बात करेंगे दो मिनट में। एडवर्टीजमेंट ठीक है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन एड बैक हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये बोलो क्या होगा, ये एड बैक होगा। हाँ क्यों एड बैक होगा, आप बात ठीक बोले एड बैक होगा बट क्यों, ये हम डिफरेंट चैप्टर में पढ़े थे। अच्छा बेटा एक चीज सोचो, बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस होता है क्या? नहीं। हाँ ये पर्सनल है। एग्जैक्टली अगर ये नॉर्मल स्टॉक इंश्योरेंस बोलता, बिल्डिंग इंश्योरेंस बोलता, गोडाउन इंश्योरेंस बोलता, फैक्ट्री इंश्योरेंस बोलता, एम्प्लॉई का इंश्योरेंस बोलता तब भी ठीक था, क्योंकि तब वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। हाँ, तुम अपने स्टाफ का इंश्योरेंस करवाए ठीक है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तुम्हारे बिजनेस में जो स्टॉक है या एसेट है उसका इंश्योरेंस कराए ठीक है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का कैसे हो सकता है? यानी ये मिस्टर पिंका का हुआ ये डिसअलाउड होना चाहिए। हाँ। अच्छा जीएसटी पेमेंट, जीएसटी कभी एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम नहीं होता। अच्छा। बेटा जीएसटी आप पार्टी से कलेक्ट किए। हाँ। और गवर्नमेंट को जमा कर दिए। हाँ, ये तो लायबिलिटी होना चाहिए। ये एक टाइप का लायबिलिटी था जो आप पे ऑफ कर दिए। हाँ। तो आप लोगों से पैसा उठाए, शुभांगी नीरज को सामान बेची। हाँ। शुभांगी नीरज से जीएसटी कलेक्ट की। हाँ। और गवर्नमेंट को जमा कर दी। तो भैया ये शुभांगी का एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? हाँ। शुभांगी का जेब से क्या गया इसमें? कुछ नहीं। सेलर कभी भी अपनी जेब से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं भरता ना। हाँ। वो तो पार्टी से कलेक्ट करके भरता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसीलिए तो इसका नाम इनडायरेक्ट है। हाँ। तो ये कैसे माइनस करने मिल गया, क्योंकि ये तो ना इनकम है ना एक्सपेंडिचर है। तो ये यहाँ पर गलत ढंग से खर्चा माइनस कर लिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस ठीक है, नेट प्रॉफिट तो ठीक ही है 50,000। अब एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया सब। एक मिनट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ये माइनस कर लेंगे। सैलरी में देखो क्या बोल दिया, सैलरी सब में बोल रहा है 21,000 पेमेंट किए। सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड टू मिस्टर मुखर्जी, खुद को खुद कैसे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में खुद को खुद सैलरी नहीं देते। अच्छा। पार्टनरशिप में दे सकते हो, पार्टनर सैलरी लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में खुद को खुद सैलरी नहीं देते ठीक है, तो ये डिसअलाउड होना चाहिए। ये कोई टाइप का एक्सपेंडिचर ही नहीं है, इसी बुक में दिखाने के लिए घुमाया गया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। सोल प्रोप्राइटर, आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर के लिए जिंदगी में पहली बार जब जनरल एंट्री पढ़ना चालू किए थे, कभी भी सैलरी खुद को देने का कोई एंट्री किए थे? नहीं किए थे, स्टाफ को देते थे। हाँ, पार्टनरशिप में देते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स को देते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देते, एचयूएफ में भी नहीं देते। अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक देखो क्या लिख दिया बेटा, ओवर वैल्यूड बाय 5,000। चलो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, अमाउंट डायरेक्ट दे दिया। हाँ। या परसेंटेज भी दे सकता था, ओवर वैल्यूड बाय 10%, वो अलग बात होता। ठीक है, यहाँ पे बोला 5,000 से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम साइड। हाँ। इनकम ज्यादा दिखा दिए, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? मतलब प्रॉफिट ज्यादा होके माइनस करेंगे। वेरी गुड, ठीक है चलो आगे बोला, सेल्स इंक्लूड 20,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सेल्स इंक्लूड 20,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, कॉस्ट ऑफ विच इज 18,000। 18,000 का एक सामान है सुमांगी। हाँ, हाँ। जिसका मार्केट वैल्यू 20,000 है, बेचने जाते तो 20,000 में बिकता। हाँ। सोल प्रोप्राइटर उसको उठा के अपने घर ले गए, तो वो तो इफेक्ट आ गया ना सेल्स में। हाँ, तो आना चाहिए था क्या सेल्स में इफेक्ट? खुद को खुद माल बेच के बोलोगे प्रॉफिट हो गया, ये तो अच्छा प्रॉफिट है। एक जेब में सुभांगी 100 रुपया था। हाँ। निकाल के दूसरी जेब में डाल लिए, रात को जाके मम्मी को ये बोलना है मम्मी आज 100 रुपया कमा के आए। अच्छा। होगा प्रॉफिट, उसको कमाई बोलेंगे? नहीं नहीं बोल सकते। हाँ। तो वही कहानी है ना बेटा, खुद को खुद कैसे बेचा। हाँ, ये तो कोई इफेक्ट नहीं आया था। नहीं तो 20,000 का इनकम में सेल में एड होगा, ये माइनस करो, एड भी कर दिया।
तो किया ही होगा, वो तो सेल का एंट्री पास करके बैठे। अच्छा। तो सेल का एंट्री पास किया है तो सेल का एंट्री में आ गया। 20,000 माइनस कर। हाँ, एक बात। और दूसरा बात, 18,000 का कॉस्ट तो कम हुआ, 18,000 का लॉस तो हुआ। 18,000 एज एन एक्सपेंडिचर माइनस करो। अच्छा। बिजनेस से तो सामान गया। तो 20,000 प्रॉफिट एड बैक करो, 18,000 या फिर 2,000 का खाली प्रॉफिट एड बैक कर लो। आपको जैसा प्रेजेंटेशन करने का मन करे। अच्छा, लास्ट बात, लीगल चार्ज इंक्लूड 2,000 पेड एज अ पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ GST लॉ। ये एक बहुत बढ़िया, हम पढ़ाया नहीं था ये बात। अगर आपको कोई पेनल्टी लगता है कोई रूल को ब्रेक करने में, तो वो कभी भी बिजनेस में, बेटा पेनल्टी तो एक टाइप का सजा है ना। सजा का फायदा कैसे उठा सकते हो? आप अगर एज एन एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर लेते हो तो आपको तो टैक्स कम देना पड़ेगा ना, नेट प्रॉफिट कम हो गया। ये कैसे अलाउड हुआ कि आपको सजा मिला उसका आपको बेनिफिट भी मिला? ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यही हम बोलते हैं कि हम पेनल्टी पेमेंट किए अपने किसी डेटर को लेट पेमेंट के लिए। अच्छा। ये नॉर्मल बिजनेस का कहानी है। ओके। ये नॉर्मल बिजनेस का स्टोरी होता है कि हम डेटर को लेट पेमेंट किए तो वो बोला इस पे इंटरेस्ट लगेगा या पेनल्टी लगेगा, क्योंकि मेरा उसके साथ एग्रीमेंट में बात ही हुआ था कि टाइमली पेमेंट नहीं होगा तो इतना रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो नॉर्मल बिजनेस का खर्चा की तरह ले सकते हैं, लेकिन कोई भी रूल ब्रेक हुआ गवर्नमेंट का और उसमें हमको कुछ पेनल्टी फेनल्टी लग गया, फाइन पेनल्टी वगैरह, वो हम बिजनेस में एक्सपेंडिचर के रूप में कभी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये लीगल चार्जेस जो 6,000 दिखाई दे रहा था PL में, लास्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर, उसमें से 2,000 माइनस करो, तो 2,000 यहाँ पे तुम ऐड बैक कर लो, बात एक ही है। उसमें से 2,000 कैसे माइनस करोगे शुभांगी? सम तो उल्टा चल रहा है ना, मतलब हम 2,000 ऐड बैक कर लेंगे वहां से, 2,000 माइनस करके 4,000 यहां से। नहीं बेटा कुछ नहीं, अरे बेटा 6,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ना नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए। हाँ, वो तो नहीं आएगा। हाँ, तो आप तो उल्टा चल रहे हो ना, तो बस 2,000 ऐड बैक कर लो। हाँ। मतलब जो जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है वो ऐड बैक कर लो। हाँ। चार लाइन में सुभांगी याद कर सकते हैं, जो जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है वो ऐड बैक कर लो, जो जो एक्सपेंडिचर अलाउड है वो माइनस कर लो, जो जो इनकम डिसअलाउड है वो माइनस कर दो, जो जो इनकम अलाउड है लेकिन लिखे नहीं है वो ऐड बैक कर लो। तो यहाँ पर अब सम बनाया सुभांगी, देखो नेट लॉस लिखा 50, नेट लॉस हुआ था उसको बिजनेस में, नेट प्रॉफिट हुआ था। नेट पागल होगा, कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 50,000। ठीक है, ऐड किया देखो क्या, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, यहाँ पर ये हेड इम्पोर्टेंट है ना, हेड के अंदर क्या-क्या आइटम्स? नहीं नहीं, हम लोग क्या सुभांगी करते है ना, सीधा एड और लेस का दो कॉलम बना लेते हैं BRS की तरह। अच्छा, अच्छा। ऐसे बोल बोल के नहीं करते एक्सपेंडिचर डिसअलाउड नाउ डेबिटेड, ये लोग तुमको सिखाने के लिए किया। नहीं, वो कैश फ्लो में तो था, वो हेड में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ पर तुम खाली, हम लोग तो रियल लाइफ में जब CA में सम्स करते थे ना एग्जाम में भी, एड और लेस का दो कॉलम बनाते थे, ऊपर नेट प्रॉफिट लिखते थे, जो जो एड बैक करना है, जो जो माइनस करना है माइनस, फाइनल नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए। क्योंकि ये हेड वाइज कहानी ऑलरेडी हम अकाउंट्स में कर चुके हैं। हाँ। तो अभी अलग से करने का कोई दरकार नहीं, हमको सिर्फ, मेरा मेन मुद्दा यही है, हमको PGBP का इनकम निकालना है। हाँ। जिसको हमको फिर टोटल GTI में डालना है। तो देखो यहाँ पे मेरा LIC ऐड बैक हुआ, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड बैक हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक हुआ। ओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, खुद को, अरे बेटा वो खुद कैपिटल लगाया ना, सोल प्रोप्राइटर है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक मेरा गलती हुआ, GST माइनस करने मिलेगा, ठीक है, GST माइनस करने मिलेगा, GST माइनस करने मिलेगा, एक गलती हुआ बताने में, तो ये याद रखना अलग से। डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया एज पर बुक्स वाला, सैलरी टू हिमसेल्फ ऐड बैक किया, देखो गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 18,000 का ऐड बैक कर लिए, और नीचे ही जाके देखो सेल टू हिमसेल्फ 20,000 माइनस किया। ठीक है, ये कहानी किए ही अपने, पेनल्टी देखो 2,000 का ऐड बैक किए, रूल ब्रेकिंग के लिए कुछ भी पेमेंट किए उसका फायदा नहीं मिल सकता। हाँ। देखो लेस में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस किया, बैड डेट रिकवरी क्योंकि वो डिसअलाउड हो गया था पिछले साल, तो इस साल की डेप्रिसिएशन की हमेशा ये डायरेक्ट बोल देगा, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बड़ा सम में बोल देगा, अभी करेंगे बेटा, 2 मिनट में उसके ऊपर भी सम्स करने वाले एक, ठीक है, एक ही सम्स कराएगा हम आपको डेप्रिसिएशन का, और वो मास्टर प्रॉब्लम की तरह आपका पूरा हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एज, बड़ा सम में क्या होगा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दे देगा।
तो वो एड माइनस कर लिए, बैड डेट रिकवरी एड बैक कर लिए माइनस, सॉरी ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक माइनस, हाँ सेल टू हिमसेल्फ माइनस कर लिए, और इंटरेस्ट ऑन एफडी क्योंकि वो दूसरा एड का इनकम है हाँ. वो भी माइनस कर लिए, तो पीजीबीपी इनकम आ गया. तो कहानी समझ में आया? हाँ. देखो लोग नोट में भी लिख दिया है कौन कौन सा इनकम क्यों नहीं लिए या क्या किए. हाँ. ये वाला जो है हाँ ये भी वैसा ही एग्जाम है. एक और कर लेते हैं फटाक से, फिर डेप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं. मिस्टर रूपम गोस्वामी 45 years, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ कोची प्रोफेशन. हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज फॉलो. मेडिसिन कंज्यूम्ड 6,72,000. ये सर डायरेक्ट मेथड का समझ सके. हाँ ये एक बात ध्यान रख लेना, जो भी प्रोफेशनल होते हैं हाँ. वो डायरेक्ट मेथड का समझ करते हैं. हालांकि आप इनडायरेक्ट भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो आपका दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा. देखो मिस्टर रूपम है मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिसिन कंज्यूम 6,72,000, ये उसका नॉर्मल खर्चा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ. अभी जब डायरेक्ट सम देखते हैं ना बेटा हाँ. तो ये देखते हैं कौन कौन सा आइटम नॉर्मल है. अच्छा. क्योंकि हमने नॉर्मल को एड या लेस करते हैं ना. नॉर्मल मतलब बिजनेस से रिलेटेड. हाँ. हाँ. मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या डायरेक्ट इनकम है. ठीक है ठीक है. तो हम लोग वही आइटम को पकड़ के बना लेंगे सम्स खाली, उल्टा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे मेडिकल मेडिसिन कंज्यूम, अब भी बात है मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो जो मेडिसिन यूज किया तो नॉर्मल खर्चा माना ही जाएगा उसका. यहाँ पर कंज्यूम का मतलब वो खुद खाया नहीं. नहीं 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 कंज्यूम मतलब बिजनेस में कंज्यूम. खुद खाया होता तो बेटा पर्सनल एक्सपेंडिचर होता, ड्रॉइंग हो जाता. हाँ, इसलिए. अच्छा ठीक है. स्टाफ सैलरी ये भी नॉर्मल खर्चा है. हाँ. क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, क्लिनिक में कई एक चीज यूज हुआ नॉर्मल है. रेंट पेड नॉर्मल है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नॉर्मल है. हाँ. अगला ही देखो, पेमेंट टू IIT दिल्ली फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च. हाँ 150% था. अप्रूव IIT दिल्ली 150% था. हाँ. डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट नॉर्मल है. इनकम साइड में आ जाओ तो डिफरेंट कैलकुलेशन होगा. यहाँ पर होना तो चाहिए. हाँ नीचे आइटम दिया है ठीक है, कैलकुलेशन करने बोला है आपको. करेंगे यानी ये वाला ऐड बैक हो जाएगा. हाँ ठीक है. कंसल्टेशन फीस नॉर्मल कमाई है. हाँ. डॉक्टर का तो काम ही यही है. हाँ. मेडिकल चार्जेस नॉर्मल कमाई है. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये एबनॉर्मल ऐड बैक हो जाएगा. हाँ. वैसे भी एग्जम्प्टेड इनकम है. इनकम माना ही नहीं जाएगा. हाँ डिविडेंड. विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर इनकम है. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है. हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है. तो ये सब माइनस होना चाहिए. मतलब डिविडेंड भी माइनस होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी माइनस होगा, रेंट रिसीव भी माइनस होगा. चलो ठीक है. अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं. क्लिनिक इक्विपमेंट बोला था 1 अप्रैल 2018 को खरीदा था. हाँ. जिसका ओपनिंग WDV 3,60,000 था. न्यू एक्विजिशन किया था 1 अक्टूबर को 88,000 का. और देखो लास्ट लाइन में दिया है डी नंबर पर में डेप्रिसिएशन 15% है. आपको एग्जाम में जनरली डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे देगा, वो लिस्ट रटने का दरकार नहीं होता. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग एड नया परचेज, सेल तो कुछ है नहीं, माइनस सेल तो होगा नहीं. ब्लॉक कंसेप्ट ठीक है तो ना हम लोग. हाँ हाँ वही है. ठीक है. हाँ. तो यहाँ पर लेकिन एक चीज देखने लायक है, जो नया मशीन खरीदा है. हाँ. वो कब खरीदा है? अक्टूबर. अक्टूबर 1st को. तो गिन के देख लो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है कि नहीं हुआ है. अच्छा. हाँ हुआ है. अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हुआ 180 दिन ज्यादा. 6 महीना में इंटू 30 करोगे तो 180 हो जाएगा. 6 महीना में इंटू 30 करोगे तो 180 हो जाएगा. हाँ. और ऊपर से हर महीना का एक एक दिन, तो दिसंबर में एक दिन एक्स्ट्रा, जनवरी में एक दिन एक्स्ट्रा. हाँ. अक्टूबर में एक दिन एक्स्ट्रा. ठीक है 180 दिन पार हो गया तब. हाँ. चिंता नहीं है तब 360 प्लस 80
का 15% निकाल लेंगे, यही एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन होगा। लेकिन अगर यही लेट से यही 80,180 दिन से कम होता तो 3,60,000 पे 15% निकालते हैं, 7.5। हाँ, और ये 80,000 पे 7.5 निकालते हैं। हाँ। दोनों पे सेपरेट सेपरेट निकाल के ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रेंट पेड में लिखा है, जो रेंट पेड था ना 96,000, उसमें 28,800 फॉर हिज रेसिडेंस है, तो वहाँ ऐड बैक हो जाएगा। ऐड बैक, यहाँ पर ऐड बैक का बात नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे रेंट पेड माइनस करते वक्त, डायरेक्ट मेथड है ना। हाँ, उसमें से माइनस करना। हाँ, तो 96 में से 28,800 हटा के जो बचेगा वो माइनस करेंगे। ठीक है। अगला बोला रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लेट आउट एट कोची, वो जो भाड़ा पे घर लगाया ना 43,200 कमाए थे। हाँ। उसमें म्युनिसिपल टैक्स दिया है 7,200 रुपया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंक्लूड हो गया। बेटा जब वो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान रहे हैं, उसको पीजीपीपी का इनकम ही नहीं मान रहे, हाँ। तो उसका एक्सपेंडिचर भी बिजनेस एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जब आपने पीजीबी हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर कैलकुलेट करेंगे, हाँ। अगर मान लो उसका टोटल इनकम निकालना होता, हाँ। तब क्या करते, पीजीबीपी का इनकम अलग निकाल लेते, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अलग निकालते, हाँ। वहां करते 43,200 माइनस, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स है नहीं तो जीरो आ जाता, एनएमवी एनएवी आ जाता 43,200 लेस 30%, ऐसे करके जाते। हाँ। बस यही है सब, ये फॉर्मेट एक बार दिखा दीजिए, देखो आराम से सॉल्व भी कर लेते हैं। कंसल्टेशन फीस रखा 8,00,000, हाँ। मेडिकल चार्ज 8,80,000, मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर एक साइड लिख रहा है और, हाँ, तो वही तो करना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट मेथड में और कैसे करोगे। इनकम इनकम को एक साथ जोड़ लो, हाँ। उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर लो, पीजीपीपी का इनकम आ गया। ठीक है। तो देखो दोनों इनकम ही लिया खाली, हाँ। बाकी तीनों इनकम नहीं लिया, हाँ। और यही अगर इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते 2,34,00,000 लिख के, हाँ। तो अपने क्या करते, ये जो नीचे का तीन इनकम था, इंडियन इनकम से डिविडेंड, लॉटरी इनकम और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये तीनों ऐड बैक कर लेते, हाँ। माइनस कर लेते, सॉरी, ठीक है ना। तो आगे देखो, अभी मेडिकल कंज्यूम माइनस किया, एकदम तो जो आता है वो ही लेंगे, एकदम मेडिकल कंज्यूम्ड माइनस किया, स्टाफ सैलरी माइनस किया, क्लिनिक कंज्यूमेबल माइनस किया, रेंट पेड में देखो 96 में 28,800 हटा के 67,200 माइनस किया खाली, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वही 2,00,000 में से 7,200 हटा दिया, जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए खर्चा हुआ था, म्युनिसिपल टैक्स, पेमेंट टू IIT दिल्ली, देखो जो आप बोले थे 150%, कितना IIT दिल्ली में डोनेशन दिया था 80,000, 80,000 का 150% क्लेम किया, 1,20,000 एज एन एक्सपेंडिचर माइनस करने मिल गया, मतलब 40,000 एक्स्ट्रा माइनस करके टैक्स बचा लिया 40,000 पे, वेरी गुड। डिप्रिसिएशन देखो 3,60,000 प्लस 80 × 15%, ये डायरेक्ट मेथड था, हाँ। और यही अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो लिखते 2,34,000 नेट प्रॉफिट, उसमें वो तीनों इनकम माइनस करते, हाँ। और एक्सपेंडिचर जब ऐड बैक कर रहे होते तो IIT, अच्छा तब ऊपर से चलते मेडिकल कंज्यूम में हाथ नहीं लगाते, हाँ। स्टाफ सैलरी में हाथ नहीं लगाते, कंज्यूमेबल में हाथ नहीं लगाते, रेंट पेड 28,800 ऐड बैक कर लेते, जो खाली पर्सनल पर्पज के लिए दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खाली 7,200 ऐड बैक कर लेते, पेमेंट टू IIT दिल्ली में 40,000 खाली माइनस करते, 40,000 एक्स्ट्रा माइनस करते, डिप्रिसिएशन ये पूरा 40 ऐड बैक कर लेते, और नीचे जाके जो निकाले हैं 15% वो माइनस कर लेते, आपका समझ नहीं था, समझ में आया बात, ये सब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में करेंगे, हाँ, आप ये सम दोनों में कर लो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम आपको दो सम्स ऐसा दिखाया, अब आते हैं सुभांगी उस चीज के ऊपर जो हमको आपको, ये फुल फ्लेश सम है ना इस चैप्टर का, एकदम हम आपको और भी शेयर करेगा, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो फुल फ्लेश्ड, हम आपको बीकॉम का ऑनर्स का ईयर पेपर, ऑनर्स वाला ईयर पेपर शेयर करेगा, उसको करने से आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हम दो सम्स आपको प्रैक्टिस के लिए रखा था यहाँ। अब हम आ जाते हैं अपने वाले चीज के ऊपर,
ये देखो डिप्रिसिएशन का सेंस करते हैं, ये देखो वो चार्ट इस नोट्स में, ये नोट्स अभी हम आपको क्लास के बाद शेयर कर देगा, अच्छे से चार्ट मेरे बीकॉम वाले बुक में था। अच्छा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग का 5%, बिल्डिंग का 10% कब होगा, बिल्डिंग का 40% कब होगा। रटना नहीं है, आप बोले रटना नहीं है, चार्ट आपको देंगे दो तीन बार गो थ्रू रखना, चार्ट देखने में बुराई नहीं है ना, याद नहीं करना वो अलग बात हो गया। अब देखो एक सम करते हैं, मास्टर प्रॉब्लम, मिस्टर अनीता मेसर्स अनीता एंटरप्राइजेस हैज रिटन डाउन बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, एज ऑन 1 अप्रैल 2018 उसके बाद 80,000 का ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग बिल्डिंग उसका 80,000, द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू बिल्डिंग, उसमें ऑलरेडी दो बिल्डिंग है एक्स और वाई नाम का, तो ये एक्स और वाई मिला के उसका ओपनिंग वैल्यू है 80,000। अपने को अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली नहीं है, अगर ये सब यही खत्म हो जाता तो आप एंटर दो, ये न ऐड है न लेस है कुछ, न परचेज है न सेल है, डायरेक्ट 80,000 के ऊपर 10% 8,000 निकाल देते। अब अलग अलग सिचुएशन दिया आपको, देखो इतना सारा, ये यही इसीलिए इसको मास्टर प्रॉब्लम बोले, क्योंकि हर एक सिचुएशन आपको अलग अलग टाइप का स्टोरी दे रहे हैं, तो हर सिचुएशन में कैसे डील करेंगे वो सब में कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 20,000 एक मई को, 1 मई को 80,000 का, 50,000 का, 20,000 का बिल्डिंग बेच दिया, तो मेरा फॉर्मेट क्या होता है बेटा ब्लॉक मेथड में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल, तो आ गया क्लोजिंग और उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा सेल करते हैं जब तो वो 180 दिन और वाला कहानी नहीं देखते, ठीक है, हम बोला था जिस साल पुट टू यूज करेंगे मतलब उस साल वो 180 दिन से कम यूज हुआ या ज्यादा यूज हुआ वो देखेंगे, ठीक है, बेचे उस साल कितना, हम इसीलिए खाली यूज वर्ड नहीं बोला, पुट टू यूज, हम पुट टू यूज बोला, यूज करने के लिए रखे उसको। तो देखो यहाँ पे कब बेचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 80,000 प्लस परचेज 0 माइनस 20,000 तो 60,000 आया, उस पर 10% डेप्रिसिएशन निकाल दिया, ठीक है, देख लो सॉल्यूशन, ये देखो पहला ही सॉल्यूशन, और यहाँ पर डेट भी मैटर नहीं करता ना, कोई मैटर नहीं करता, जब सेल में हमको देखना ही नहीं है कितना दिन यूज हुआ तो हमको क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो 80,000 एड परचेज निल लेस सेल 20,000 तो डिप्रिसिएशन 60,000 वैल्यू बचा 60,000 उस पर 10% डिप्रिसिएशन 6,000, ठीक है। केस ए सॉल्व, केस बी क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, बहुत केस दिया, केस एन तक केस दिया, बी में बोला बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 1,00,000, ये मजेदार कहानी सेम नहीं है बेटा ठीक से गौर करो, सिर्फ तो अमाउंट डिफरेंट है, उससे कुछ नहीं होता, अमाउंट डिफरेंट भी है बेटा, आपका एसेट का ब्लॉक नेगेटिव में चला जा रहा है। हाँ। हम दो इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे, एसेट खत्म हो जाए या ब्लॉक नेगेटिव में चला जाए, हाँ। ब्लॉक पॉजिटिव है लेकिन एसेट दोनों बिक जाता, अगर मान लो हम ये बोलते हम दोनों एसेट बेच दिया, आगे आएगा वैसा भी कहानी, हम दोनों एसेट बेच दिया 40-50,000 रुपए में, हाँ। तो मेरे ब्लॉक में वैल्यू तो बच रहा है, हाँ, 30, लेकिन नंबर ऑफ एसेट 0, तब आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे हो सकता है जब आपके पास एसेट ही नहीं है, तो नहीं होगा, तब उसको कैपिटल गेन कैपिटल लॉस बोलेंगे। अच्छा। और यही अगर 80,000 का सामान कितना में बेचे, 1,00,000, लेकिन आपके पास एक मशीन बचा हुआ है, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ब्लॉक नेगेटिव हो गया, हाँ। उसको कैपिटल गेन मान के कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर दो। अच्छा। तो देखो यहाँ पे पार्ट बी, केस बी का सॉल्यूशन दिखा देते हैं स्क्रीन पे, देखो 80,000 का वैल्यू था, परचेज ड्यूरिंग द ईयर नील, 80,000 ही वैल्यू बचा, लेस सेल 1,00,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, डिप्रिसिएशन नील। आप बोलोगे सर एक मशीन तो अभी भी है, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाएंगे आपका एसेट का, आपका वैल्यू ही नेगेटिव है, आपके पास वैल्यू 0 है एक तरीके से देखा जाए तो, हाँ। तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 0 का कितना परसेंट निकालोगे, 10% 0 ही आएगा, हाँ। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, अगर एसेट दोनों बिक जाए, हाँ।
मतलब एसेट जीरो हो जाए तब भी आगे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर वैल्यू ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो भी आगे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। अगर दोनों एसेट बिक जाए और हमारे पास ब्लॉक में अमाउंट है वो कैपिटल लॉस होगा। हाँ वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। वेरी गुड, वही हुआ ना सुभांगी। सोचो ना 80,000 का आइटम दोनों ही 50,000 में बिक गया। हाँ 80,000 का मशीन था टोटल। हाँ कम से बिका तो लॉस ही होगा। लॉस होगा और ज्यादा में बिका तो गेन होगा। हाँ तो इसको कोई रटने का जरूरत नहीं है। हाँ और जब हम आपको बोल रहे हैं दोनों एसेट बिक गया सुभांगी तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे किस पे? हाँ और वैसे सुभांगी अगर नेगेटिव हो गया आंसर जीरो मतलब वैल्यू कितना बुक में बचा, कॉस्ट कितना बचा बुक में? जीरो। 20,000 का गेन हो गया, 80 का आइटम 80 में बिक के 20,000 का गेन हो गया। तो फिर वैल्यू जीरो है तो डिप्रिसिएशन निकालोगे किस? हाँ। यही सिंपल बात था। ठीक। चलो थर्ड केस करते हैं। बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 1,00,000। मजेदार खेल देखना सुभांगी। बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 1,00,000 एंड बिल्डिंग एस परचेज्ड फॉर 35,000 ऑन 1st July। ओके। तो जो खरीदे हैं वो तो मोर देन 180 डेज यूज होगा इस साल। हाँ। तो टेंशन ही नहीं, मतलब वो 180 दिन देखने का झमेला नहीं है। नहीं है लेकिन कहानी है सुभांगी 80,000 ओपनिंग था। हाँ, माइनस हो या फिर प्लस देखते हैं ना। एड 35,000। हाँ। कितना होगा ब्लॉक में? 35,000 ही अमाउंट होगा। रुको ना, नहीं आराम से देखो। 80,000 का ओपनिंग है। हाँ। एड परचेज 35,000। हाँ। कितना हुआ? 1,15,000। हाँ। माइनस 1,00,000 सेल वैल्यू। अच्छा मतलब 15,000 जाएगा। हाँ तो 15,000 पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अच्छा सिंपल सा फॉर्मेट है शुभांगी, मतलब अपने को एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। ओके। जो बचे उस पे डिप्रिसिएशन। हाँ। बस देख लेना एसेट बच रहा होना चाहिए या फिर वैल्यू बच रहा होना चाहिए। ठीक है। और अपने को एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है। हाँ यही अगर ये जो 35 का परचेज है मान लो 1st December को होता तो वो जो 15,000 वैल्यू बचा ना 15,000 उसमें से 5% उसपे 5% कैलकुलेट करते। हाँ। बस ठीक है। तो आपका भी कॉमन सेंस वही बोल रहा है जो होना चाहिए। हाँ। तो परफेक्ट जा रहे। तो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाक से। ये देखो केस सी, 80 + 35 1,15,000 माइनस 1,00,000 तो बचा 15,000 उस पर 10% डिप्रिसिएशन 1,500। चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। डी बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 10,000 एंड बिल्डिंग एक्स परचेज फॉर 40,000 तो 80 + 40 1,20,000 माइनस 10 1,10,000 और जो नया वाला खरीदे वो भी 1st July को ही है। हाँ, तो 180 दिन से ज्यादा ही है तो 1,10,000 पे 15% ये देख लो 10% बेटा। हाँ 10% वही हम भी डर गया 11,000 कैसे आ रहे हैं वैल्यू पर 10% तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? 1,10,000 का 10% कितना होगा बेटा? ओ अच्छा डी डी हम यही देख रहे हैं। किस नंबर पे आ जाते हैं इसमें देखो मजेदार कहानी। बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 10,000 नया वाला मशीन परचेज किया 11 नवंबर। हाँ। 180 दिन से कम। हाँ, मतलब 5% हाँ तो भाई 80,000 + 40 1,20,000 हाँ माइनस 10 1,10,000 पे कितना परसेंट? 40% 40,000 पर 5% और बाद बाकी में 10%। वेरी गुड। ये देखो 40,000 पे 10 × 1/2 कर दिया मतलब और बाकी 70,000 पे। हाँ। 70 बचा ना 1,10,000 हाँ। से 40 का तो 70 बचता है उसके ऊपर 10% पूरा। ठीक है। केस एफ में आ जाते हैं। बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 2,00,000 बिल्डिंग एक्स परचेज फॉर 40,000 ऑन 11 नवंबर। पहले तो वही पहले एडलेस कर लो। हाँ। 80 + 40 1,20,000 ये माइनस में आ रहा है नेगेटिव 80,000 आ रहा है। हाँ।
यहाँ पर भी हमको नया वाला मशीन कब खरीदे देखने का कोई दरकार नहीं। ये पूरा माइनस जो है वो कैपिटल गेन और नील डेप्रिसिएशन। कैपिटल गेन हो गया, नील हो गया। तो देख लेते केस एफ ना। हाँ सॉल्यूशन चेक कर लो, ये रहा नील, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन का ब्लॉक कंसेप्ट अच्छा हुआ हम इतना सारा सम देख लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके एग्जाम में, अरे इसके ऊपर आपके एग्जाम में सम्स आना ही आना है। बड़ा वाला चांस तो कम ही आने का। ये आने का स्कोप तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि एक छोटा सा दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा वाला चार ऑप्शन में से डेप्रिसिएशन का फिगर होगा। ये एमसीक्यू रहने से ना बहुत चीज याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज, इसीलिए इतना सारा समम कर, और ये इसीलिए हम ये मास्टर प्रॉब्लम रखा। आज हम दिमाग में लगा के रखा था कि हम आपको अपना बीकॉम वाला बुक से सम्स करवाएगा। तो चलो यहाँ पे हुआ बिल्डिंग जी पे आ जाए, ये मस्त है। बिल्डिंग एक्स एंड वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000, तो दोनों ही माइनस करेंगे। हाँ तो 80 प्लस 0, परचेज 0 है, लेस सेल कितना करेंगे 45,000। हाँ तो बचा कितना वैल्यू 35,000। ये लॉस है। हाँ ये लॉस है बेटा, दोनों एसेट बिक गया, इसके ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन निकालोगे। इसीलिए हम पहले दो लाइन में कहानी खत्म किया, ब्लॉक नेगेटिव हो जाए या एसेट सारा बिक के खत्म हो जाए, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा। हाँ। अब आप देख लो, ज्यादा में बिक रहा है तो गेन, कम में बिक रहा है तो लॉस। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं बचा। तो बिल्डिंग जी केस जी सॉरी केस जी 35,000 शॉर्ट टर्म, 35,000 कैपिटल लॉस, ठीक है ना, और डिप्रिसिएशन नील। अब आ जाते हैं केस एच, बिल्डिंग एक्स एंड बिल्डिंग वाई बोथ सोल्ड फॉर 10 एंड 35 ऑन 11 नवंबर। किस दिन बेचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नया बिल्डिंग खरीदे 5,000 में 1 जुलाई को। अब देखो मजेदार केस बेटा, आपका ओपनिंग था 80। हाँ अच्छा, खरीदे 1 जुलाई को तो इसमें मेरे को वो टेंशन नहीं है 180 दिन देखने का। हाँ चलो ठीक है, ओपनिंग 80 प्लस 5 85 माइनस 35 45, 40,000 अभी भी वैल्यू बच रहा है ब्लॉक में, तो और एक एसेट भी बच रहा है। हाँ नया वाला तो डिप्रिसिएशन होगा। हाँ और पूरा 10% होगा। 4,000 आया। हाँ नेक्स्ट केस केस एफ, जी एच ओ सॉरी एच के बाद आई, बिल्डिंग जेड परचेज फॉर 40,000 ऑन 1 जुलाई 2018 एंड द सेम बिंग पुट टू यूज ऑन 11 नवंबर। यहाँ पे सेल कुछ नहीं हुआ बेटा, पुराना एक्स और वाई तो आई 80,000 का 5% लेंगे। ये जो नया वाला परचेज है उसपे 5% एकदम, क्यों 6,000 टू यूज तो कम एकदम। जिस साल खरीदे हाँ। उस साल पुट टू यूज चेक करना ही है, ठीक है। अतः यही हम एक मजेदार कहानी देते, हो सकता है वो आगे देगा भी ये लोग, फिर भी हम अपनी तरफ से दे देते हैं, अगर देगा नहीं देगा हमको ध्यान नहीं आएगा। अच्छा। अगर बेटा ये अगले साल पुट टू यूज होता 11 नवंबर को, अगले 11 नवंबर 2019 को पुट टू यूज होता तो इस साल नहीं लेंगे, नहीं हम अगले साल के लिए सम बना रहा होता तो तब 180 दिन देखते कि नहीं देखते। पता नहीं देखते, हम बोले कि आपको जिस साल खरीदे हाँ। उस साल पुट टू यूज देखेंगे। अच्छा अच्छा नेक्स्ट साल नहीं देखेंगे। अब ये आपका कंपनी अगले साल यूज करना चालू किया तो अगले साल बिगनिंग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। ओके। बेटा पड़ा एसेट का भी डेप्रिसिएशन होता है। अब ऐसे तो आप 10 साल यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे हम डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करेंगे क्योंकि पड़ा पड़ा उसका वैल्यू नहीं घट रहा है। हाँ लेकिन डिपार्टमेंट बोला सर ये तो ये बात तो फिर उस साल भी लागू होता है जिस साल खरीदे। हम इसको 1 जुलाई को खरीदे 11 नवंबर को यूज किए क्या उतना दिन पड़ा पड़ा उसका वैल्यू नहीं घटा? घटा, लेकिन डिपार्टमेंट बोला हम रूल बना देते हैं कि जिस साल खरीदे हो उस साल डेप्रिसिएशन तभी से क्लेम करोगे जब पुट टू यूज करोगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी को डिसएडवांटेज हुआ। कंपनी उसी दिन यूज करना चालू कर देता, एटलीस्ट उसी दिन चालू कर देता 1 जुलाई को, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग 80 प्लस परचेज 40, 1,20,000 लेस सेल 0, अब 80,000 पे पूरा 10% और 40,000 पे 5%। ओ अच्छा, अभी तो आप बोले थे इसका पुट टू यूज 11 नवंबर हुआ है सर। हाँ। तो इस पे डिप्रिसिएशन कितना दिन का होगा ये देख लो, 80,000 पे पूरा 10% केस आई, 40,000 पे 10% 6 महीने के लिए 1/2, वही हाफ कर दिया, एक ही बात है। हाँ, 5%। या आप डायरेक्ट 5% निकाल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, केस जे, बिल्डिंग क्यू परचेज फॉर 50,000 पुट टू यूज ऑन 1 नवंबर 2019। लो हम बोला और ये लोग दिया। अच्छा, नेक्स्ट उस साल तो बेटा डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं इस पे। हाँ। कहानी खत्म उस साल का, तो उस साल का 80,000 पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। हाँ। और अगला साल पूरा 80 प्लस 50 31 पे पूरा साल का डिप्रिसिएशन होगा। हाँ। इस साल सिर्फ 80 पे होगा। केस नंबर कितना था ये? जी ये देखो, सिर्फ 80,000 पे डिप्रिसिएशन निकाला, एसेट ब्रैकेट में लिख दिया परचेज निल, एसेट एज द एसेट वेयर नॉट पुट टू यूज इन प्रीवियस ईयर 1819। अब आते हैं केस के पे, तीन चार और बचा है, खत्म कर लेते हैं केस ओ, अपने आप में लंबा चौड़ा कर दिए, बढ़िया। हाँ। ठीक, अच्छा है। केस के, बिल्डिंग आर परचेज फॉर 30,000 एंड एक, अच्छा ये खरीदे, हाँ ये लो आ गया, ये खरीदे थे 1 जुलाई 2017 को। अच्छा। यूज इस साल 11 नवंबर को डाले, पूरा साल होगा एग्जाम, यही चीज समझाना था यहाँ पे। केस के में देख लेते हैं सॉल्यूशन, पहले तो अपने कर लेते हैं 80 प्लस 30 1,10,000 पे पूरा 10%। केस के ये देखो, लेबल लिख भी दिया, दो द एसेट वाज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज बस इन दिस वाज नॉट एक्वायर्ड इन द करंट ईयर, हेंस प्रोविजन ऑफ 1/2 ईयर डिप्रिसिएशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, ये बात आपको थ्योरेटिकली पहले ही बोल दिया था। देखा, एक ही मास्टर प्रॉब्लम बनाया, डिप्रिसिएशन घर में रिवाइज करो, सब रिवाइज हो जाएगा। हमको ये प्रयास का बुक यही बहुत अच्छा लगता है, ये क्या कहता है ना, ये मास्टर प्रॉब्लम बहुत शानदार बनाता है। अच्छा। ये मिल नहीं रहा था अपने को करंट ईयर का क्या करते, इसलिए हम आपको वो बांगड़ खरीदने बोला। हाँ। खैर कोई नहीं, चलो ये हो गया एम, केस कौन सा हो गया था अपना लास्ट, के हो गया था। एल बोला, बिल्डिंग परचेज ऑन 10,000 ऑन 1 जुलाई 2018 बट पुट टू यूज ऑन 11 नवंबर 2018 एंड बिल्डिंग एक्स एंड वाई सोल्ड फॉर 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, नॉर्मल केस है। पहले कितना, 80,000 ओपनिंग था, प्लस 10,000 परचेज 90,000 माइनस 16,000 तो आएगा 74,000। 74 में 10,000 पे आधा रेट हो जाएगा डिप्रिसिएशन का 5% और बाकी जो 64 बचा उस पे 10% हो जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है, 74 पे, 64 पे अलग निकाला, 10 पे अलग निकाला, बाकी केस भी अब ऑलमोस्ट शायद सिमिलर ही होगा, फिर भी खत्म, दो और खत्म कर लेते हैं। लंबा वाला जो एक साथ दिया ना केस ओ, ये आप घर में करोगे, तो आपने एम तक कर लिए, एल तक कर लिए। एम बोल रहा है, बिल्डिंग आर परचेज फॉर 30,000 ऑन 1 जुलाई 2018 एंड सोल्ड द सेम फॉर 40,000। ये मजेदार है, ये अच्छा केस है।
हम आर जो तो खरीदा है ना जिस ईयर में, हाँ, हम वही मशीन बेच दिया। हाँ, तो पहला तो 80 ओपनिंग 180 दिन से कम यूज किया है। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो बिक गया उसी साल। हाँ, एंड ऑफ द ईयर वो एसेट है क्या आपके पास? नहीं, उस पर डिप्रिसिएशन ही कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, हम तो क्लोजिंग वैल्यू पे जाके देखते हैं ना हर चीज। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें ये थोड़ी ना देखते कब खरीदे कब बेचे। नहीं, तो यहाँ पर सीधा सा कहानी 80,000 पर 10% होगा। हाँ, देख लेते हैं केस एम। जो वैल्यू रखी वही गलती कर रहे हैं, 80+30। हाँ, लेस सेल 40। हाँ, बचा जो वैल्यू उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना, 80 पे पूरा क्यों कर दिए? अच्छा, क्लोजिंग वैल्यू जो बचेगा, एक ही बात बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, लास्ट इस पे आ जाते हैं। सोल्ड बिल्डिंग एक्स एंड वाई फॉर 95,000 ऑन 1st जुलाई, और एंड परचेज द बिल्डिंग फॉर 30,000 ऑन 11 नवंबर। ओके, 80+30 10 माइनस 95 15,000। लेकिन अब प्रॉब्लम 30,000 का तो 5% तो कैसे होगा? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो कितना होगा बोलो? क्या दिमाग लगता है इतना सेंस करने के बाद? पूरा 15,000 पर ही होगा एकदम, 15,000 पे 5%, क्योंकि जो ब्लॉक वैल्यू बचा उस पे डेप्रिसिएशन निकलता है। हाँ, वो तो न्यू है, न्यू एसेट तो बचा, और ये वैल्यू बचा न्यू एसेट का ही, तो उसी पे करेंगे। तो ये था आपका, बहुत सारा केस करवाया हम आपको, आज यही स्टॉप।